हेलो दोस्तों, दिस इज नरसिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो एक स्पॉन्सर वीडियो है और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग अपने iOS डिवाइस को जैसे आईफोन, आईपैड या फिर आईपॉड को अपने PC से मैनेज करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को अपने iOS डिवाइस से अपने डेटा को अपने PC में ट्रांसफ़र करना है, फिर चाहे वो इमेज हो, वीडियो हो, सॉन्ग हो या फिर कोई फाइल हो, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों को अपने PC से अपने iPhone में कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। और आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से कोई भी वीडियो और उसको कन्वर्ट करके अपने iPhone में भी रख सकते हैं और आप लोग अपने iPhone को क्लीन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको पहला लिंक मिलेगा आप लोग वहां पर से क्लिक कर इस वेबसाइट पर आ जाइए और इस वेबसाइट में आप लोगों को सॉफ्टवेयर मिलेगा iOS ट्रांसफर और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है iOS ट्रांसफर 3 वो अभी यहाँ पर से रिलीज हुआ है। आप लोग इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। आप लोगों को फ्री में यहाँ पर से 7 दिन का ट्रायल मिलेगा, उसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी, लेकिन आप लोग फ्री में इसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इसको यूज़ कीजिए। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो फिर आप लोग इसको बाद में परचेज भी कर सकते हैं। मैंने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं यहाँ पर से इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाता है उसके बाद यहाँ पर ये आपसे बोलता है कि आप लोगों को अपने iOS डिवाइस को मतलब आईफोन को, आईपैड को या फिर आईपॉड को USB से कनेक्ट करना होगा। मैं अपने आईफोन को कनेक्ट कर देता हूँ USB केबल से। यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप लोग अपने iOS डिवाइस को USB केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो आप लोगों का जितना भी डेटा होगा आपके iOS डिवाइस में, मेरा यहाँ पर आईफोन में मैंने कनेक्ट कर रखा है और आईफोन में मेरा जितना डेटा है वो सारा उठा के लेके आ चुका है। यहाँ पर बता रहा है कि इमेजेस जो है वो 91 है, म्यूजिक इतने हैं और वीडियो इतने हैं और यहाँ पर से कॉन्टैक्ट जो है वो 0 है। अगर आप लोग इसको एक क्लिक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने PC में तो आप लोग यहाँ पर से ट्रांसफ़र टू PC में क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जितना डेटा है ये सारा का सारा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के म्यूज़िक ट्रांसफ़र हो तो आप लोग यहाँ पर इसको अनचेक भी कर सकते हैं। आप लोग इसको अनचेक करेंगे और फिर ट्रांसफ़र टू PC पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर आप लोग इसकी लोकेशन देखना चाहते हैं कि ये डेटा कहाँ जाएगा आपके PC में, तो आप लोग यहाँ पर से ट्रांसफ़र लोकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को लोकेशन जो है वो बता रहा है। अगर आप लोगों ने ट्रांसफ़र टू PC में क्लिक करके इसको ट्रांसफ़र किया है तो आप लोगों की लोकेशन ये होगी। अगर आप लोग इसको सेट करना चाहते हैं ट्रांसफ़र करने से पहले तो आप लोग इसको सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर से देखिए, अगर आप लोगों ने एयर ट्रांस जो इसका फीचर है, आप लोग इसको वाईफाई के थ्रू भी इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसके थ्रू इस ट्रांसफ़र किया अपना डेटा तो आप लोगों की लोकेशन होगी ये। अगर आप लोग इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों ने इंटरनेट से कोई वीडियो को डाउनलोड किया है तो उसकी लोकेशन ये होगी। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद कन्वर्ट कर दिया है तो उसकी लोकेशन ये होगी। तो आप लोगों को यहाँ पर से इसकी जो लोकेशन है वो भी मिल जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ पर से इसको करता हूँ कैंसिल। और उसके बाद यहाँ पर से देखिए, आप लोगों के पास एक ऑप्शन आता है मैनेज का। अगर आप लोग यहाँ पर से मैनेज पर क्लिक करेंगे तो आप लोग अपने iOS डिवाइस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। मैनेज में यहाँ पर आप लोग फोटोज़ को मैनेज कर सकते हैं, आप लोग अपने म्यूज़िक को मैनेज कर सकते हैं, वीडियो को, आईबुक को, कॉन्टैक्ट को, पॉडकास्ट को और वॉइस मेमो को भी आप लोग यहां पर से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आप लोगों के पास एक एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है, आप लोग एप्लीकेशन को भी मैनेज कर सकते हैं। तो यहां पर से देखिए, फिलहाल हम क्या करते हैं, फोटोज़ के अंदर हम लोग आ चुके हैं कैमरा रोल के अंदर। अगर आप लोगों को अपने कैमरा रोल से कुछ डेटा को ट्रांसफ़र करना है अपने PC में तो आप लोग उसको भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से ये जो अमरूद वाली फोटो है मैंने यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर लिया। अगर आप लोग मल्टीपल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल को कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सभी को ट्रांसफर करना है तो आप लोग यहाँ पर से सेलेक्ट ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इसको एक्सपोर्ट करता हूँ अपने आईफोन से अपने PC में। तो मैंने यहाँ पर से एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दिया और उसके बाद हम लोग इसकी लोकेशन जो है वो बता देते हैं। मैं यहाँ पर से इसमें ट्रांसफ़र पर कर देता हूँ और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र फोल्डर है, इसमें मैंने क्लिक करा और उसके बाद यहाँ पर से देखिए इमेज जो है वो यहाँ पर आ चुकी होगी। तो मैं यहाँ पर से देख लेते हैं अमरूद की इमेज। ये देखिए यहाँ पर से अमरूद की जो इमेज है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो ऐसे करके आप लोग अपने आईफोन से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने PC में। फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पर से इसको मैं करता हूँ क्लोज और उसके बाद यहाँ पर से देखिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और हम लोग यहाँ पर से इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास आता है एल्बम का ऑप्शन, आप लोग यहाँ पर से एल्बम पे क्लिक करेंगे। और जैसे आप लोग यहाँ पर से एल्बम पे क्लिक करेंगे, अब अगर यहाँ पर से अगर आप लोगों को अपने PC से अपने आईफोन पे मतलब iOS डिवाइस पे डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को एल्बम क्रिएट करनी होगी। मैं यहाँ पर से क्रिएट एल्बम पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर से क्रिएट एल्बम पे क्लिक करा और उसके बाद यहाँ पर से मैं इसका नाम कुछ भी रख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर से इसका नाम रख देता हूँ DEMO। मैंने यहाँ पर से डेमो रख दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर से ओके पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर से ओके पे क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए एक एल्बम जो है वो बन चुकी है। अब अगर आप लोगों को इस एल्बम पर डेटा को इंपोर्ट करना है मतलब अपने PC से ट्रांसफर करना है अपने फोन पे तो आप लोग यहाँ पर से इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर से इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर से डेटा जो है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये जो इमेज है इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर से ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इंपोर्ट पे क्लिक करा तो यहाँ पर से देखिए जो डेटा है वो ट्रांसफर हो रहा है। हम लोग चलते हैं अपने फोन पे और देख लेते हैं
यहाँ पर जो जो डेटा है वो यहाँ पर से इंपोर्ट हुआ है या फिर नहीं। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पर से फोटोज़ में, मैं यहाँ पर से फोटोज़ में क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर से देखिए हमारे हमने जो इमेज डाली थी वो यहाँ पर आई है या फिर नहीं, यहाँ पर से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर से जो इमेज डाली थी वो यहाँ पर आ चुकी है, ये देखिए ये इमेज हम लोगों ने डाली थी। फिलहाल मैं यहाँ पर से इसको कर देता हूँ बैक और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं साइड ले जाता हूँ। यहाँ पर से देखिए डन हो चुका है, ये इमेज हम लोगों ने ट्रांसफ़र करी थी और ये इमेज हमारे आईफोन पे आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा कर देता हूँ साइड, ये देखिए ये वाली इमेज हम लोगों ने डाली थी और ये आ चुकी है। ऐसे करके आप लोग अगर मल्टीपल इमेजेस को डालना चाहें तो मल्टीपल इमेजेस को भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर से इसको कर देता हूँ बैक और आईफोन को हम ले आते हैं थोड़ा सा साइड में इधर को और उसके बाद इसको थोड़ा सा इधर को। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास ऑप्शन है म्यूज़िक का, आप लोगों के पास यहाँ पर म्यूज़िक जितना भी आप लोगों के फ़ोन में पड़ा है वो सारा का सारा यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाता है। अगर आप लोग और म्यूज़िक को इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने आईफोन पे तो आप लोग यहाँ पर से इंपोर्ट पे क्लिक कर म्यूज़िक को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से एक इंपोर्ट कर देता हूँ, ये वाला, इसको मैंने सेलेक्ट करा, ओपन पर क्लिक करा तो यहाँ पर से देखिए ये जो म्यूज़िक है ये इंपोर्ट हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर से म्यूज़िक फाइल जो है वो भी इंपोर्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पर से डन पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए ये वाली जो म्यूज़िक फाइल थी इसको हम लोगों ने करा था इंपोर्ट, तो यहाँ पर से ये इंपोर्ट हो चुकी है। तो ऐसे करके आप लोग आसानी से अपने iOS डिवाइस में म्यूज़िक को इंपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर से देखिए वीडियोस के साथ भी वही आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग म्यूज़िक को इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने iOS डिवाइस में तो म्यूज़िक को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है iBook का, अगर आप लोग iBook को इंपोर्ट करना चाहें तो iBook को कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट को करना चाहें तो कॉन्टैक्ट को कर सकते हैं, पॉडकास्ट को कर सकते हैं, वॉइस मेमोज को कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास एक ऑप्शन आता है ऐप्स का, अगर आप लोग यहाँ पर से ऐप्स को मैनेज करना चाहें तो ऐप्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक ऐप है एयर ट्रांस, अगर आप लोग इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर जितने भी अनवांटेड एप्लीकेशन है अगर उनको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर से कर देता हूँ इसको डिलीट, यस पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर से देखिए जो एप्लीकेशन है ये VLC मीडिया प्लेयर, यहाँ पर से ये डिलीट हो रहा है। तो यहाँ पर से देखिए एप्लीकेशन जो उड़ गई है। तो उसके बाद यहाँ पर से देखिए आप लोगों के पास एक ऑप्शन आता है क्लीन का, अगर आप लोग यहाँ पर से क्लीन पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के मोबाइल फ़ोन पे जितने भी जंक फाइल हैं, टेम्प्रेरी फाइल्स हैं जो आप लोगों के मोबाइल फ़ोन पे स्पेस लेती हैं तो आप लोग उनको भी क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर से स्कैन पे क्लिक करेंगे तो स्कैन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखा देगा कि आप लोग कितना स्पेस जो है वो अपने उसमें बचा सकते हैं। मेरे उसमें यहाँ पर दिखा रहा है 29 फाइल हैं और 2.58 MB को ये बचाएगा। तो 2.58 MB जो है वो उतना ज़्यादा होता नहीं है तो फिलहाल मैं यहाँ पर से इसको नहीं करता हूँ क्लीन। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है वीडियोज़ का, अगर आप लोग यहाँ पर से इसमें क्लिक करते हैं और उसके बाद आप लोग यहाँ पर से आप लोगों को वीडियो डाउनलोडर का ऑप्शन मिल जाता है। आप लोग अगर डाउनलोडर पर क्लिक करते हैं तो आप लोग अगर इंटरनेट पर कोई भी लिंक पड़ा है आपके पास आप लोग यहाँ पर से उसको उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतनी सारी जो वेबसाइट है उनको सपोर्ट करता है। मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ फेसबुक में जाता हूँ और किसी भी एक वीडियो का जो URL है उसको हम लोग गेट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर से देखिए एक ही वीडियो है इसका हम लिंक लेंगे, मैं यहाँ पर से इस वीडियो को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी वीडियो URL में क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर से और उसके बाद हम लोग यहाँ पर से इसको कर लेते हैं कॉपी। मैंने कर लिया कॉपी, इसको फिलहाल मैं यहाँ पर से कर देता हूँ बैक। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर से सॉफ्टवेयर में जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर से इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर से पेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए URL जो है वो पेस्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर से डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये डाउनलोड होने के बाद आपके फ़ोन पे जाए तो आप लोग यहाँ पर से इसको चेक कर सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली ट्रांसफर द डाउनलोडेड वीडियो टू योर iOS डिवाइस। अगर आप लोग चाहते हैं आपके iOS डिवाइस में चले जाए ट्रांसफर होने के बाद तो आप लोग इसको चेक कर दीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे मैंने यहाँ पर से डाउनलोड पे क्लिक करा तो यहाँ पर से देखिए एनालाइज कर रहा और उसके बाद इस वीडियो को डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पर से देखिए ये वीडियो जो है वो डाउनलोड हो रहा है और उसके बाद ये ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारे मोबाइल फ़ोन पे। तो हम लोग अगर आप लोगों ने देखना है कि कितने आप लोगों ने डाउनलोड कर रखे हैं तो यहाँ पर से देखिए आप लोग फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास दिख जाएगा कि जितने भी आप लोगों ने वीडियो डाउनलोड करे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर से देखिए वीडियो जो है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर से अब ये हमारे iOS डिवाइस में ट्रांसफर कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर से चेक करा था ऑटोमेटिकली ट्रांसफर डाउनलोडेड वीडियो टू अवर iOS डिवाइस। तो हम लोगों ने उसको चेक करा तो इसलिए यहाँ पर से इसको ट्रांसफर कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर से ट्रांसफर कर लेगा तो उसके बाद यहाँ पर से देखिए आप लोगों के उसमें ग्रीन चेक आ जाएगा। जिसमें आप लोगों को यहाँ पर से ग्रीन चेक मिलेगा इसका मतलब वो आपके iOS डिवाइस में पहुँच चुका है। उसके बाद यहाँ पर से देखिए आप लोगों के पास एक कन्वर्टर का ऑप्शन है। अगर आप लोग यहाँ पर से इसमें क्लिक करेंगे और आप लोगों के कंप्यूटर पर कोई फाइल पड़ी है आप लोग उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर से ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर से उस फाइल का सोर्स लेंगे। जैसे यहाँ पर से देखिए ये फाइल है, मैं यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद ओके पे क्लिक कर देता हूँ, मतलब ओपन पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोग कौन से फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से इसको 3 GB में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैंने इसको सेट कर दिया। उसके बाद मेरे को क्या करना होगा यहाँ पर से कन्वर्ट नाउ पर क्लिक करना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कन्वर्ट होने के बाद ये आपके फोन पर ट्रांसफर हो जाए तो आप लोग यहाँ पर से इसको चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से कन्वर्ट नाउ पर क्लिक कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये मेरे iOS डिवाइस में आए, मैं सिर्फ इसको एज अ कन्वर्टर यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए ये जो वीडियो है ये कन्वर्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर से वीडियो कन्वर्ट हो चुका है, मैंने यहाँ पर से 3 GB में सेलेक्ट कर
रखा था, अगर आप लोग इसको देखना चाहें तो आप लोग इसको देख सकते हैं, अगर आप लोग इसको ट्रांसफर करना चाहें तो आप लोग इसको अपने iOS डिवाइस में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास एक ऑप्शन आता है एयर ट्रांस का, अगर आप लोग इस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन पर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है एयर ट्रांस। मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोग उसको कैसे और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों का आईफोन और आप लोगों का पीसी सेम नेटवर्क पे है तो आप लोग आसानी से वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए भी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को आना होगा अपने मोबाइल फ़ोन पर और आना होगा ऐप स्टोर पर और आप लोगों को एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, उसका नाम है एयर ट्रांस। मैं यहाँ पर से आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोग उसको कैसे सर्च कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर से सर्च पर आ जाइए और उसके बाद यहाँ पर से लिख लीजिए एयर ट्रांस। स्पेस देके आप लोग लिख लीजिए IO ट्रांसफर। तो यहां पर से देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहां पर से इसको क्लिक कर देता हूं और उसके बाद यहां पर से आप लोगों को क्या करना होगा, इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड करना होगा। आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए, मैं यहां पर से इसको डाउनलोड कर रखा है तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। जैसे मैं यहां पर से इस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा तो यहां पर देखिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले यहां पर से स्टार्ट ट्रांसफर पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर से स्टार्ट ट्रांसफर पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर से ये जो कनेक्शन है वो बनाएगा। यहाँ पर देखिए अब आप लोगों से ये बोल रहा है कि QR कोड को स्कैन करने के लिए, या आप लोगों के पास एक PC बना हुआ है जिसमें 3 डॉट हैं, आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से देखिए ये आप लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाता है स्कैन QR का, आप लोग इसको इस पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पर से इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को QR कोड को स्कैन करना होगा, और जैसे आप लोग यहाँ पर से QR कोड को स्कैन कर लेंगे तो दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा। यहाँ पर से देखिए कनेक्टिंग आ रहा है, जैसे यहाँ पर से ये कनेक्ट हो जाता है तो फिर आप लोग डेटा जो है उसको आसानी से PC से मोबाइल फ़ोन पे और मोबाइल फ़ोन से PC पे आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को कि आप लोग कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो QR कोड को स्कैन करते ही यहाँ पर देखिए हमारे जो डिवाइस है वो यहाँ पर इसको पकड़ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे हम लोग यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करेंगे तो दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाएगा। आप लोग यहाँ पर से ये अलाउ करने के लिए बोल रहा है, आप लोग यहाँ पर से इसको अलाउ पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर से अलाउ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर से अलाउ पर क्लिक करा तो यहाँ पर से देखिए इन्फॉर्मेशन इसको पहुँच गई कि हाँ भाई कनेक्शन बन चुका है। अब अगर आप लोगों को ट्रांसफर करना है, जैसे यहाँ पर से आप लोगों को सेंड टू iPhone पर क्लिक करना है, अगर आप लोगों को कुछ भी ट्रांसफर करना है अपने PC से iPhone पर, तो आप लोग इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप लोग यहाँ पर से इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर से बता दीजिए कि आप लोग क्या ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर से ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ ट्रांसफ़र में और उसके बाद मैं यहाँ पर से कोई भी एक वीडियो जो है उसको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला वीडियो है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और ओपन पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पर से सेलेक्ट किया और ओपन पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर से देखिए जो वीडियो है ये ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे PC से हमारे मोबाइल फ़ोन पे। और हम लोग यहाँ पर से अगर देखना चाहें तो मैं यहाँ पर से इसको करता हूँ मोबाइल फ़ोन पे बैक। हम लोगों ने ट्रांसफ़र करा था वीडियो तो ये यहाँ पर से आएगा वीडियोज़ के अंदर। तो यहाँ पर से देखिए जो तीसरी वाली जो फाइल है, मतलब जो वीडियो आने वाला है, वो यहाँ पर से आ रहा है। पहले यहाँ पर से इसको कंप्रेस कर रहा है, देखिए यहाँ पर से लिखा हुआ आ रहा है कंप्रेसिंग, और उसके बाद यहाँ पर से इसको ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पर से देखिए जो वीडियो है वो हो चुका है सक्सेसफुली ट्रांसफ़र। अब अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से इसको अपने मोबाइल फ़ोन पे देख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से इसको ओपन कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर से देखिए जो वीडियो है ये हमारे मोबाइल फ़ोन पे चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर से इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर से वीडियो जो है वो चल रहा है। अभी मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको करता हूँ बैक, यहाँ पर से करता हूँ क्लोज़, और उसके बाद यहाँ पर से देखिए हम आ गए दोबारा से इसमें। अब अगर आप लोगों को अपने आईफोन से अपने PC में कुछ भेजना है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से जो भी आप लोगों के पास डेटा है, जैसे यहाँ पर अगर आप लोगों के पास कोई फाइल है तो आप लोग फाइल भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, म्यूज़िक भेज सकते हैं और आप लोग फोटोज़ भी भेज सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से कोई फोटो भेजता हूँ, मैं यहाँ पर से गया इसमें और उसके बाद मैं यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी फोटो। जैसे मान लीजिए ये वाली फोटो है, मैं यहाँ पर से इसको सेंड करना चाहता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आता है सेंड का। यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा सेंड का तो मैं यहाँ पर से सेंड पे क्लिक कर देता हूँ, सेंड टू PC। और जैसे मैंने यहाँ पर से सेंड टू PC में क्लिक करा तो यहाँ पर से देखिए जो फोटो है वो यहाँ पर से रिसीव हो रही है। अब अगर आप लोग इसको ओपन करना चाहते हैं तो आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर से करता हूँ इसमें ओपन और उसके बाद यहाँ पर देखिए फोटो जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो ऐसे करके आप लोग आसानी से अपने आईफोन से PC में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो PC में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर आप लोग अपने PC से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने आईफोन पर तो वो भी आप आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों के कोई सवाल या फिर सुझाव हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो देखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो बगल में बनी हुई घंटी को दबा लीजिए, उससे होगा ये कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे हाउ टू हिंदी में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और फिर आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।